जय हिंद स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइज ऑफ इस्लाम। भारत में इस्लाम किस प्रकार से आया और किस प्रकार से उसका उदय हुआ, देखते हैं। पहले हम समकालीन परिस्थितियों को थोड़ा सा समझेंगे। अगर हम 6वीं-7वीं शताब्दी की बात करेंगे तो भारत में इस क्षेत्र में, ये जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर एक स्टेट था जिसको कहते थे सिंध राज्य, और ये हिंदुओं का राज्य था। यहाँ के राजा थे दाहिर, और इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी एक साम्राज्य था जिसको कहते थे हिंदू शाही साम्राज्य। यहाँ पे राजा थे अजयपाल और यहाँ पे राजा थे दाहिर। इनकी राजधानी थी उदभांडपुर और इनकी राजधानी थी ब्राह्मणाबाद, ठीक है, ब्राह्मणाबाद और उदभांडपुर। जो ब्राह्मणाबाद है, इसके पास एक जगह है नीरून और एक जगह यहाँ पर अरोड़ भी उनकी राजधानी है। एक प्रशासनिक राजधानी है, एक धार्मिक राजधानी है, और इनका एक बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है, जिसको कहते हैं देउल। ये उसके अलावा अगर हम इधर जाएंगे तो यहाँ पर हैं राजपूतों का साम्राज्य, जैसे पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य अजमेर का। इधर जाएंगे तो गहड़ वालों का साम्राज्य, इधर कश्मीर में जाएंगे तो कारकोटा, उत्पल और लोहार वंश का साम्राज्य। इस अरब के क्षेत्र में 632 AD में जब प्रॉफेट साहब की, पैगंबर साहब की मृत्यु हुई, तो पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद वहाँ फिर से उस विचार को और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए इस्लामिक परंपराएं धीरे धीरे विकसित हुई, और उन इस्लामिक परंपराओं को कंट्रोल करने के लिए जिस व्यक्ति को उत्तरदायी माना गया, जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, उसको कहते थे कैलीपैट या फिर खलीफा। उसको हम कैलीपैट या खलीफा कहते थे उसको, ठीक। इस खलीफा ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने अलग अलग गवर्नर अपॉइंट कर दिए, एक गवर्नर यहाँ पर, एक गवर्नर यहाँ पर, एक गवर्नर यहाँ पर, एक गवर्नर यहाँ पर। तो ये वाला जो क्षेत्र है नीचे वाला, यहाँ पर एक संस्कृति थी, उसको कहते थे अरबी संस्कृति। इसलिए ये अरब का क्षेत्र है तो अरबी संस्कृति। यहाँ तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्र था, तुर्क का क्षेत्र था, इसलिए इसको कहते थे तुर्क संस्कृति। तो देखिए, दोनों ही मुस्लिम हैं लेकिन तुर्क अलग हैं, अरबी अलग है, ठीक। और तुर्क में भी आगे चल के एक साम्राज्य बना जिसको कहते थे तुर्क शाही डायनेस्टी 973 AD में, और यहाँ इसको बनाने वाले थे अलप तेगिन, और यहाँ इसको बनाने वाले कैलीपैट थे। और कैलीपैट ने जब भारत के क्षेत्रों से व्यापार करना शुरू किया, उसने ऐसे करके इन क्षेत्रों से या फिर मलेशिया के क्षेत्रों से व्यापार करना शुरू किया, तो इस अरब सागर के इस क्षेत्र में बहुत सारे लुटेरों ने उनके जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। जब जहाज़ों को लोग बड़ी संख्या में लूटने लगे तो उससे रिजल्ट ये आ गया कि इनको ऐसा लगता था कि इन जहाज़ों को लुटवाने में बड़ी भूमिका इनकी है, इन राजाओं की। और इस खलीफा उस समय थे अब्दुल हज्जाज ने खबर भिजवाया क्या कि आप इन जहाज़ों को लूटने से रोकें। इस राजा ने ये कहा कि हम जहाज़ों को लूटने से नहीं रोक सकते क्योंकि उन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो उनको लगा कि इन्होंने ये गलत बोला है, गलत बयानबाजी की है, उन पर हमारा कंट्रोल है, इन पर इनका कंट्रोल होना चाहिए। और फिर उन्होंने अपने एक गवर्नर को, जो अब्दुल हज्जाज का नेफ्यू भी है, भतीजा भी है और सन इन लॉ भी है और उनका दामाद भी है, उसे भेजा कि आप इस क्षेत्र में जाइए और उनसे संपर्क करिए। ये होता है भारत में इस्लाम के आगमन का बैकग्राउंड, भारत में इस्लाम के आगमन के कारण क्या थे। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले देवल पहुंचता है 711 में AD में, यानी 8वीं शताब्दी के बिगिनिंग में ही पहुंच जाता है। जब वहां पहुंच जाता है तो देवल बंदरगाह पर बहुत सारी जो राजा की सेना थी उसको, वो युद्ध होता है और वो जीत जाता है। जीतने के बाद उसे पहुंचना था राजधानी ब्राह्मणाबाद और अरोड़ में, लेकिन चूंकि वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था और प्रॉपर चैनल तो थे नहीं जाने के लिए, तो वो चाह रहे थे कि हम लोगों की कोई मदद करे, क्योंकि राजा ने अपने सारे रिसोर्सेस इधर सेंट्रलाइज कर लिए ऊपर की तरफ और बंदरगाह को खाली छोड़ दिया, कुछ सेना उसकी वहाँ भी मर गई। यहाँ एक नीरून नगर का मैंने उल्लेख किया है, ये
इस नीरून नगर में जो रहते थे वो थे बुद्धिस्ट। इन बुद्धिस्टों ने इन अरबियों को इजी पैसेज अवेलेबल कराया। उनसे कहा गया कि आप इस इजी पैसेज को मतलब इस रास्ते से जा सकते हैं और ब्राह्मणवाद तक पहुंच सकते हैं। उनके इसी रवैये के कारण से, इनके इसी सहयोग के कारण से अरबी लोग धीरे धीरे ब्राह्मणवाद पहुंचे, जहां राजा से उनका झगड़ा हुआ, राजा की डेथ हो गई और उन्होंने ब्राह्मणवाद पर कब्जा कर लिया। फिर पहुंचे अरोड़, जहां राजा का बेटा और उसकी बेटियों को भी, राजा की बेटी की हत्या कर दी गई और बेटियों को अरेस्ट करके और उसकी पत्नी को अरेस्ट करके यहां से अरब के लिए, हज्जाज के लिए भेज दिया गया। पहले संपत्तियों के रूप में व्यक्तियों को भी लूटा जाता था, जैसे स्त्रियों की बहुत लूटपाट होती थी जिन्हें राजा जा करके अपने हरम में रखता था दासियां बना करके, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और यहाँ से उनको वहाँ भेज दिया गया। इस तरह से इस पूरे सिंध पर अरबियों का कब्जा हुआ। ये बहुत दिनों तक चला नहीं, क्योंकि जो बेटियाँ यहाँ से वहाँ भेजी गई थी हज्जाज के पास, उन्होंने उनको ऐसी कहानी सुनाई कि जिससे ये विलेन हो गया मोहम्मद बिन कासिम। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमको आपके यहाँ इसलिए भेजा है, बाद में भेजा है, पहले उसने अपने साथ हमको रखा था। और ये अब्दुल हज्जाज को मंजूर नहीं था। अब्दुल हज्जाज ने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को हाजिर किया जाए और एक बैग में रख के लाया जाए। उसको इतना उसको हीन समझा, जब उसको बैग में रख के ले गए चमड़े के थैले में, तो उसकी जान चली गई। और इसके बाद से ही सिंध पर अरबी लोग तो आ गए, अरबी संस्कृति भी आ गई, लेकिन शासन पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया। ये अरब में हुआ। इस अरब में इस घटना के लगभग 100 साल के बाद उत्तर में तुर्कशाही में एक राजवंश की स्थापना की यहाँ पर अलप तेगिन ने इसकी स्थापना की। अलप तेगिन ने स्थापना की, लेकिन वह आक्रमण नहीं किए भारत के क्षेत्रों पर, क्योंकि उधर तुर्कशाही और भारत के क्षेत्रों में हिंदूशाही। इसके बाद इसका दामाद आया जिसका नाम था सुबू तेगिन। ठीक। और सुबू तेगिन के समय पर उसने आक्रमण की योजना बनाई और उसकी आक्रमण की योजनाओं को देख करके हिंदू शाही वंश के जो राजा थे जिनका नाम था अजयपाल, उनको लगा कि ये आक्रमण करेगा। इससे पहले उन्होंने फॉरवर्ड की पॉलिसी अपनाई और खुद ही आक्रमण उस पर कर दिया। और जो फास्ट फॉरवर्ड की जो पॉलिसी अपनाई उसमें वो हार गए और शर्मनाक होने के कारण से उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनकी जान चली गई। सुबुक्तगिन को लगा कि हिंदूशाही के क्षेत्रों में राजाओं की स्थिति ज़्यादा ताकतवर है नहीं। उसने हिंदूशाही के क्षेत्रों में घुसने की कोशिश की और तब तक सुबुक्तगिन के बाद आया यहाँ पर महमूद गजनबी आया। और इस गजनबी ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत में 17 आक्रमण किए। इसने खलीफा से परमिशन ली और खलीफा से कहा कि मैं भारत पर हर साल एक आक्रमण करूंगा, मुझे परमिशन दे दो। और उसने एक परमिशन ली और भारत पर बड़ी संख्या में आक्रमण शुरू किए। महमूद गजनबी के आक्रमणों के पीछे का एक उद्देश्य था कि वो अपने तुर्क प्रदेश यानी गजनी में, गजनी को बड़ा सुंदर बनाना चाहता था। उसे पैसा चाहिए, कारीगर चाहिए, क्राफ्ट कलाकार चाहिए, शिल्पकार चाहिए, ये सब चाहिए। इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो भारत में आक्रमण करता था, मंदिरों को तोड़ता था, मूर्तियों से सोना या सोने की मूर्तियाँ को लेता था। मूर्तियों को तोड़ना के कारण से उसको मूर्ति भंजक कहते थे, जिसे उर्दू में बुद्ध शिकन भी कह देते हैं, अरबी और उसमें बुद्ध शिकन भी कह देते हैं। उसको बुद्ध शिकन भी कहा गया, लुटेरा भी कहा गया, मूर्ति भंजक भी कहा गया। लुटेरा इसलिए कि मंदिरों को लूटता था, उसका उद्देश्य ये था बड़ी संख्या में मंदिरों को लूटना। और यहाँ से उसने दूसरा मूर्तियों को तोड़ता था, जिससे लगता था कि इस्लाम को आगे ले जाना चाहता है। और जब इस्लाम को धर्म के लिए जब हमको युद्ध लड़ते हैं तो उसे कहते हैं जिहाद, उसे जिहाद कहते हैं धर्म युद्ध को, इंग्लिश में कहते हैं उसको क्रूसेड। तो धर्म युद्ध, उसने पहली बार इन्हीं आक्रमणों में जिहाद का नारा दिया और भारत के क्षेत्रों में प्रवेश किया और भारत के कई मंदिरों को उसने नष्ट किया। उसका सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण था वो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था, जो वहाँ के शासक थे चालुक्य वंश के भीम, उनसे उनका सामना हुआ। उसने उस मंदिर को, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसे नष्ट करने की कोशिश की, बट ज्योतिर्लिंग बच गया, सुरक्षित है। और भीम ने उस मंदिर को फिर बनवाया और वो मंदिर आज भी बना हुआ है और भारत के 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और भारत के जो प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग
भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जैसे उत्तराखंड में ज्योतिर्लिंग है, उत्तर प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है जैसे काशी विश्वनाथ, उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं है क्योंकि बद्रीनाथ विष्णु का स्थान है और ज्योतिर्लिंग केवल शिव के होते हैं। झारखंड में है जैसे कहते हैं बाबा बैद्यनाथ, एमपी में दो हैं, एमपी में एक ओंकारेश्वर और एक महाकालेश्वर। इसके बाद महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में आपको भीमशंकर मिलेंगे, नाग नागेश्वर मिलेंगे और त्र्यंबकेश्वर मिलेंगे। इसके बाद आप जाएंगे तमिलनाडु में तो वहाँ आपको रामेश्वरम मिलेंगे और आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो मल्लिकार्जुन स्वामी मिलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो सोमनाथ और आदिशंकर के नाम से दोस्त मिलेंगे। तो हमारे टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सबसे ज़्यादा किसी राज्य में है तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग एक ही लाइन में पड़ते हैं, इसलिए उसको ज्योग्राफिकली पहले कहते थे 3 लिंगों का पठार, जो आगे चल के अपभ्रंश हुआ तेलंगाना का पठार, इसलिए उसे तेलंगाना का पठार कहने लगे लोग आगे चल के, क्योंकि 3 लिंगों का पठार है, एक ही पठार में 3 ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं। तो इसने जो आक्रमण किया उसमें सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। 1030 के आसपास उसकी डेथ हो गई महमूद गजनबी की। उसके बाद भारत पर तुर्की आक्रमणों का सिलसिला थोड़ा धीमा पड़ गया। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, तो देखिए तुर्की भी मुस्लिम है और अरबी भी मुस्लिम है, तो उसका उत्तर यही होगा क्योंकि अरबी पहले आए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। प्रश्न आएगा भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया, तो तुर्की आक्रमण इसने नहीं किया, तुर्क आक्रमण सुमुक्तगिन ने किया, इन्होंने नहीं किया है। तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की, अलप्तगिन ने। तो इस तरह से तुर्कियों का साम्राज्य भारत में स्थापित होने के लिए वो आक्रमणों को लगातार करते जा रहे थे। इसकी मृत्यु के बाद, गजनबी की मृत्यु के बाद, गजनी के आसपास एक और पहाड़ी का क्षेत्र है जिसको कहते हैं गौर, और ये है गजनी। तो गौर का एक व्यक्ति जिसका नाम है शहाबुद्दीन, वो भी कमांडर हुआ करता था पहले लेकिन अब वो पावर में आ गया है, और उससे ये कहा गया कि आप गजनी की गद्दी संभालो, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं गौर का कमांडर हूँ, मैं गौर में ही रहूँगा। लेकिन जब साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने गजनी की गद्दी स्वीकार की तो उसे लोग उसी नाम से जानते थे, मोहम्मद गौरी, क्योंकि वो गौर का रहने वाला था इसलिए उसे मोहम्मद गौरी कहते थे। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर 1175 में आक्रमण करना शुरू किया। उसे सफलता नहीं मिली, भारत के ही बहुत सारे तटवर्ती राजाओं ने उनको पराजित किया, जिसमें चालुक्य वंश के राजा भी थे, भीम ने भी उनको पराजित किया और कुछ राजपूत शासकों ने उनको पराजित किया, ये सब राजपूत ही थे जिन्होंने उनको पराजित किया, लेकिन वो लगातार आक्रमण करता रहा। उसकी इच्छा थी कि भारत में कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, और अंततः 1191 में उसने पृथ्वीराज के साथ तराइन का पहला युद्ध लड़ा जिसमें वो हार गया, वापस चला गया। वो फिर से वापस आया 1192 में, और इस बार उसने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा। इस बार उसने गौरी को हरा दिया और गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया और पृथ्वीराज के क्षेत्र यानी अजमेर पर कब्जा कर लिया, और अजमेर पर उसका कब्जा हुआ और अजमेर में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हुई। और इस तरह से भारत में इस्लामिक साम्राज्य आया जो सत्ता के रूप में स्थापित हुआ, क्योंकि उसने पृथ्वीराज को हराया तो पृथ्वीराज के क्षेत्र उसको आसानी से मिल गए। अब अगला क्रम ये था कि ये राजस्थान जीतने के बाद उसे कन्नौज जीतना था, तो 1194 में चंदावर के युद्ध में उसने इसको भी हरा दिया। यहाँ का शासक था जयचंद, जो गोहिलौत वंश का था, गहड़वाल वंश का था और पृथ्वीराज के मासी का लड़का था। ठीक, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टोरी को कि एक शासक थे जिनका नाम था अनंगपाल सिंह तोमर। ठीक, अनंगपाल सिंह तोमर की 2 बेटियां थी, राजरानी और स्वरूप रानी। अनंगपाल सिंह ने तोमर के क्षेत्र में, कुरु के क्षेत्र में अपने साम्राज्य को संगठित करके वहाँ अपने पिताजी के नाम पर एक शहर बसाया। उनके पिताजी का नाम था ढिल्लन शाह, तो ढिल्लन शाह के नाम से शहर बसाया, इसका नाम हुआ ढिल्लन, जो आज धीरे धीरे करके हो गया है दिल्ली। तो ये शहर बसाया उन्होंने। अब इनकी 2 बेटियाँ थी, राजरानी स्वरूप रानी, बेटा कोई नहीं था। तो बड़ी बेटी की शादी हुई विजयचंद से, छोटी बेटी की शादी हुई सोमेश्वर से। सोमेश्वर से पैदा हुआ पृथ्वीराज और राजरानी से पैदा हुआ जयचंद। तो जयचंद और पृथ्वीराज वैसे भी मासी के लड़के थे, मौसेरे भाई थे, उन दोनों के अलग अलग साम्राज्य थे, लेकिन पैसे की बात करेंगे तो जयचंद के पास काफ़ी पैसा था। जयचंद इस बात से बहुत चिढ़ता था कि पृथ्वीराज को ही पूरा साम्राज्य क्यों दे दिया, दिल्ली भी दे दी। इसलिए जब चौहानों को लिखा जाता है तो आगे लिखा जाता है दिल्ली और आमेर के चौहान,
दिल्ली और आमेर अजमेर के चौहान। क्यों? क्योंकि अजमेर उनका खानदानी था, दिल्ली उनको दे दिया था उनके नाना जी ने। जयचंद के पास एक ही था, कन्नौज, इसलिए जयचंद को कन्नौजिया राय भी कहते हैं। कन्नौजिया उस समय राजाओं को राय की उपाधि दी जाती थी, जैसे पृथ्वीराज को राय पिथौरा कहते थे क्योंकि पिथौरागढ़ का किला बनवाया उसने, जिसका वो मालिक है इसलिए उसको पिथौरा राय कहते थे, और वो कन्नौज का मालिक था इसलिए इसको कन्नौजिया राय कहते थे। किसको? जयचंद को। इस कारण से इसको ये लगता था गौरी को कि मैंने जब एक को हरा दिया है तो मैं दूसरे को भी हराऊंगा। और जयचंद वो व्यक्ति था जिसने पहले गौरी की मदद की थी, गौरी की मदद के कारण ही भारत में इस्लाम आ सका, गौरी जीत सका। अगर नहीं भी आया उसकी मदद से, लेकिन कारण तो यही बताया जाएगा। इसी कारण से भारत में विश्वासघात करने वाले लोगों को जयचंद कहा जाता है, उनको एक उपमा दी जाती है कि आप भी जयचंद हैं, आपने भी विश्वासघात किया है, तो उनको जयचंद की उपाधि दी जाती है, यानी धोखेबाज या ट्रेटर की उपाधि, गद्दार की उपाधि उनको दी जाती है। 1194 में गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में। गौरी को यहाँ से भारत में एक दिल्ली और कन्नौज के बीच का बड़ा क्षेत्र प्राप्त हो गया। गौरी के बहुत सारे सेनापति थे अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मुल्तान में उसका सेनापति था नसीरुद्दीन कोबाचा, बंगाल में उसका सेनापति पहुंचा बख्तियार खलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ऐसे ही बंगाल के उसमें जो गजनी का क्षेत्र है वहाँ उसका सेनापति एक और था जिसको कहते थे इल्तुतमिश। इसके इधर भी एक सेनापति है उसका, मुल्तान के पास बागीज में या बदायूं में, या बदायूं के बोगाज के क्षेत्रों में, वहाँ उसको कहते थे ताजुद्दीन एल्दौस, ताजुद्दीन एल्दौस, भुरकारी, जरकारी, जी बख्तियार खलजी, ये सब उसके सेनापति हैं। और उसके कुछ तो ऐसे भी हैं जो गुलाम हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक गुलाम है। तो गौरी के पास लोग बहुत थे, तो गौरी धीरे धीरे जगहों को जीतता गया, अपने सेनापतियों को ऐसे रखता गया। और गौरी ने जब बंगाल में उसको मिल गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो ये पूरा पैक्सेज उसको मिल गया यहाँ से लेकर गजनी तक। तो ये इस्लामिक साम्राज्य बना पहले भारत में, क्योंकि इस्लामिक साम्राज्य बना नहीं है, इस वाले इस्लामिक साम्राज्य में ये वाला इस्लामिक साम्राज्य हिंदू साम्राज्य जोड़ करके इस्लामिक साम्राज्य बन गया। और भारत में इसी इस्लामिक साम्राज्य के लिए लोगों में संघर्ष हुआ कि हम बनेंगे इसके सुल्तान, हम बनेंगे सुल्तान, और ये परंपरा भारत में प्रारंभ हुई। इसे कहते हैं भारत में राइज ऑफ इस्लाम, भारत में इस्लाम का उदय कैसे हुआ। इस्लाम का उदय एक बड़ी घटना थी, इस घटना ने भारत में बहुत सारे तथ्यों को जोड़ दिया और भारत में एक नई परंपरा को प्रारंभ कर दिया। इसलिए माना जाता है कि इस्लाम का जो राइज है वो यहीं से शुरू होता है, फिर शुरू होगा भारत में एक के बाद एक राजाओं ने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि अभी तो इसकी राजधानी भी चेंज होगी, आगे बहुत सारे परिवर्तन होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।